उत्तराखंड विच लगभग 15,000 फुट की उचाई उत्ते स्थापित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब विखे रोप वे बनने नाल हुण हरेक शरधालु उत्थों दे दर्शन कर सकेगा। करीब 1,163 करोड़ रुपए नाल तैयार होने वाले इस रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींह पत्थर रखे। दस दिए कि प्रस्तावित रोपवे योजना तहत करीब 12.5 किलोमीटर का रोपवे तैयार होगा। यह रस्ता सिर्फ 45 मिनटां दे विच पूरा किया जा सकेगा। इस वेले लगभग 19 किलोमीटर की तिखी चढ़ाई वाला यह रस्ता 2 दिनों दे विच यात्रियों के वलों पूरा किया जाता है। यह योजना 2024 तक मुकम्मल होने की संभावना दसी जा रही है। उधर भाजपा आगू सुनील जाखड़ ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने इस संबंधी ट्वीट किया ते लिखा कि श्री हेमकुंड साहिब तक 12 किलोमीटर लंबे रोपवे का नींह पत्थर रखने के लिए गुरु नाम लेवा सिख संगत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवादी हाँ। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सिख भावनावां लई अपना डूंघा सतिकार अते फिकर प्रगट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। सो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मीत चेयरमैन नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ते गुरुद्वारा गोविंद घाट के मैनेजर सेवा सिंह ने दस्या कि समागम दौरान ही उन्होंने प्रधानमंत्री को अगले वरे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा लिए आने का सद्दा दिता है, जिसनों उन्होंने प्रवान भी कर लिया। नींह पत्थर रखने दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक पहुँच लई रोपवे का लाभ ना सिर्फ देश सगों इंग्लैंड जर्मनी कैनेडा के सिखां नूं भी होगा। उन्होंने स्थानक लोगों रोपवे प्रोजैक्टा की उसारी दे विच लगे मजदूरों की हमायत करने की भी अपील की है। कहा कि वह परमात्मा की सेवा दे विच लगे हुए ने। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुरवले जन्म दे विच उन्होंने तप स्थान वजो जाने जाते गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहिब तक पहुँचने लिए यह राज सुखाला करन वास्ते पिछले 1 दहाके तो यतन किए जा रहे सन। प्रस्तावित रोपवे योजना तहत करीब 12.5 किलोमीटर का रोपवे तैयार किया गया। यह रस्ता 45 मिनटां दे विच है जिहड़ा पूरा किया जा सकता है। सो तुहानू किस तरीके का लग्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह डिसीजन? तुहानू की लगता है कि यह रोपवे बनाना सिख धर्म की जो मर्यादा सी उस अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं? साडे कमेंट बॉक्स सैक्शन दे विच शेयर करो। अपडेट्स लैके रूबरू होवांगे। वेखते रहो लुधियाना लाइव न्यूज़।